वैसे यार तेरे ससुर का सुन के बड़ा अफसोस हुआ यार, बड़े अच्छे इंसान थे यार। क्या कर सकते हैं यार, जब खुदा का हुक्म आ जाता है तो बंदे को सर झुका के जाना ही पड़ता है। अब हम ही बाबा के पास जाएंगे, बाबा कभी नहीं आएंगे। ठीक है मादी, मैं सब जानता हूँ और मानता भी हूँ, पर क्या करूँ यार, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे बाबा की तस्वीर नजर आती है। दुआ, हम लोग फराज की तरफ जा रहे हैं, तुम चल रही हो साथ? जी नहीं, आप जाइए, मुझे जाना होगा ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलो हम लोग चलते हैं। तुम्हें पता है ये दोनों फरासे दो दो हाथ करने गए हैं। अंसला मुझे कह रही थी कि मैं जीवर लेके लौटूंगी। सलीम, ये खास केस है, क्या तुम हैंडल कर लोगे? आप फिक्र न करें सर, हमसे पहले कभी आपको कोई शिकायत हुई है? फराज, खत्म करो ये ड्रामा, जायदाद के कागजात की बात बाद में होती रहेगी, तो फिलहाल ऐसा करो कि मेरे और दुआ के जेवरात हमें दे दो। दे दे यार, इनकी ज्वेलरी दे दे, हमने इसलिए तो बैंक से निकलवा कर रखी थी, वैसे भी हमने कौन सा ज्वेलरी का कोई अचार डालना है। अगर आपको इतनी बेएतमादी है तो ये रखिए ज्वेलरी, इसमें दुआ की ज्वेलरी भी मौजूद है, ले लीजिए इसे। एक्सक्यूज मी, आप मेरी इजाजत के बगैर मेरी कोई चीज किसी को कैसे दे सकते हैं? फराज, शायद अंजी को आप पे एतमाद नहीं रहा, लेकिन मुझे आप पर पहले से भी ज्यादा एतमाद हो गया है। तुम्हारे पास जो कुछ है हमारे वाले करो, जल्दी जल्दी निकलो, निकालो, जल्दी निकालो, कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, इनको छोड़ो, मैं देती हूँ, ये ले लो, ये लो, लो हमसे तो तुम्हारी सब कुछ। अंजलि, चक्कर नहीं, सब कुछ ले जाओ। अब शहरयार साहब, आपने पहचाना नहीं उनको? कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या वो मेरे रिश्तेदार थे जो मैं उन्हें पहचानता? मेरा मतलब तो था कि अरे, तुम लोग बैठो, मैं शहरी की दवा लेकर आती हूँ। क्या बात है यार, तू कुछ घबराया हुआ लग रहा है। यार सलीम, हाँ यार, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर बैठा। क्या यार, तोगिर ने जो पासपोर्ट वगैरह दिया था ना मुझे, यार वो किसी दुकान पे मैं भूल गया हूँ। ये तूने क्या किया यार, वो तौकीद तो कह रहा था इसके बाद तेरी आजादी है। रोना तो इसी बात का है यार सलीम, उस पैकेट से जो ना मेरी जिंदगी की आजादी जुड़ी हुई थी यार, अगर वो ना मिला ना मैं घर किस तरह पहुंच पाऊंगा यार। सलीम कुछ कर यार, तुझे तो पता है कि मैं यहाँ से एक पल भी नहीं हिल सकता, और हाँ शहरयार को तो तू जानता है कैसा लिचर टाइप का आदमी है। यार फिर क्या होगा यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि तोगिर ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। सलीम कुछ कर मेरे लिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ। सलीम तू फिक्र मत कर यार, मैं यहाँ से निकलने की किसी तरह कोशिश करता हूँ, बाकी आ गया अल्लाह मालिक। सलीम यार मैं बेफिक्र हूँ ना। अरे तू फिक्र मत कर मेरे यार, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ओके। शहरयार साहब, आपने पहचाना नहीं उनको? हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या वो मेरे रिश्तेदार थे जो मैं उन्हें पहचानता? मेरा मतलब तो था कि अरे, तुम लोग बैठो, मैं शहरी की दवा लेकर आती हूँ। मुझे हैरत इस बात पर है कि मैंने फराज के हाथों और पैरों को बुरी तरह जकड़ा था, उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया था।
उसके बाद वो कैसे भाग गया यार? How it's possible? छोड़ो यार, अपनी नाहली दूसरों के सर पे थोपना कोई अच्छी बात है क्या? प्यारी बेटी अंजला, बेटी अंजला, अल्लाह तुम दोनों बहनों को खुश और आबाद रखे। बेटी तुम बड़ी अच्छी और सादतमंद बेटी हो, मगर तुम्हें बदकिस्मती से जीवन साथी मुखलिस नहीं मिला। मैं इस वजह से बहुत फिक्रमंद रहता हूँ। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि दुआ जो अभी मासूम बच्ची है उसने शहरयार को कैसे पहचान लिया। बहरहाल खुदा तुम्हारा हामी और नाजिर हो और इस शख्स की शरंगेजी से बचाए, आमीन। वसीयत वाली शर्त जब तक पूरी नहीं होगी मैं जायदाद तुम्हारे या शहरयार के हवाले नहीं करूँगा। देखो बेटी, यूँ तो मैं सब कुछ तुम्हें कह सकता हूँ, मगर ना जाने क्यों नहीं कह पा रहा कि दुआ को तुम्हारे वालिद मेरी बेटी बना गए हैं और इनकी वसीयत की रूह से फराज और दुआ का रिश्ता पक्का है। लिहाजा जब दोनों की रजामंदी होगी तो बाकायदा रस्म अदा कर दी जाएगी। उम्मीद है तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। फ़कत तुम्हारा बाबा। खुदा हाफिज़। I like the black one. Perfectly all right. हाँ भिजवा दो यार सर ये पेमेंट, नो प्रॉब्लम, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हें। हाँ ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। हो गया सौदा। ऐसे यार तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, क्या कहें? ये तो है ना, फिर बात तो सारी चॉइस ही की होती है यार। एक बात बताऊं तुम्हें, जितनी अच्छी चीज होती है ना उसकी उतनी ही अच्छी कीमत होती है। तो निकालिए रकम। रकम? तुम क्या समझते हो मैं दौलत के पहाड़ पे बैठा हूँ या मेरे पास पैसों का दरख्त है जो तुम्हें तोड़ तोड़ के देता रहूं? शेर यार मैं कोई इतना बच्चा नहीं हूं। वैसे भी तुम दौलत के पहाड़ पे तो बैठे हो। तुम्हें पता है हमारे धंधे में अकेला खाने की कोई रस्म तो है नहीं। आई नीड द पेमेंट यार, मुझे माल मंगवाना है, 2-3 दिन में पेमेंट करनी है यार। इसमें तेरा भी तो फायदा है यार। ओके ओके, तुम फिक्र ना करो, अंजला मेरे नाम पर अपनी जायदाद करने पर रजामंद हो गई, लेकिन उसे जायदाद तो मिले यार। फिकर ना कर, तेरा हिस्सा भी ले लूंगा उससे मैं। यार मुझे मुझे पैसे चाहिए यार, मुझे माल आके पहुंचाना है यार। किस तरीके से होगा यार? रिलैक्स यार, हो जाएगा बंदोबस्त। बता दो बेटे, बता दो बेटे इनको। सब बताओ
तुम्हें मेरे ख्याल है इसको फर्स्ट एड की ज्यादा जरूरत है, मैं इसकी पट्टी वट्टी करा के आता हूँ, उसके बाद पूछते क्या है। उसे ले गया मुझे मेरे साथ, चलो फराज इसको लेके चलते हैं मेरे साथ। मैं भी चलता हूँ। कम ऑन, हाउ कुड यू लीव बाबा लाइक दिस। आप यहीं पे ठहरो, मैं लेके जा रहा हूँ। आप तेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है। चलो फराज तुम्हें चलो। मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा बाबा से, शर्त तुम एक बार गवाही दो बस। अनस शरियार को अगर जेल की सलाखों के बेचारे बचाया तो मेरा भी नाम नहीं बाबा। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। साहब जी वो शहर यार ने ना 20 बार फांसी की सजा होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं बाबा, व्हाट डू यू मीन? इसकी हालत देखिए आपने फराज की, मार मार के उसका हशर खराब कर दिया उसने, इसको इंटरनल चोटें आई, इज ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड। और वैसे भी बाबा, वैसे भी जुल्म के ऊपर चुप रहना भी जुर्म होता है, और आप उसकी साइड ले रहे हैं बाबा। क्या किया उसने आपके साथ? आपने देखा उसने आपके साथ क्या किया बाबा? अशरफ, अशु तुम गवाही दोगे ना सच्चाई के हक में? अंजला के सामने गवाही दोगे ना अशु तुम? मैं गवाही दूंगा हमाद भाई। अरे मैं दुनिया की किसी अदालत के सामने मुझे लेके चले, मैं सबके सामने शहरयार के सारे कारनामे खोल दूंगा। ठीक है, अब उस पर दो मुकदमे होंगे, एक दामे कत्ल का और दूसरा फराज को सबसे बेजामे रखे उसको कत्ल करने का। तुम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करोगे, ये मेरा हुक्म है। बहुत ही वाहियात और ढीठ किस्म का इंसान है शहरयार। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसे शूट कर दूं। और आप और अमाद तो बहुत ही लापरवाह हैं। आपके कानों पे तो जो ही नहीं रिंग थी। कैसे रिंग सकती है? रोज शैम्पू करते हैं, आपकी तरह गंदे बाल थोड़ी हमारे। ओहो, बड़े शोक हो रहे हैं आप आज, क्या बात है? बता दूं? चलें छोड़ें, आप खामखा जेलस हो जाएंगे। मैं और जेलस? आपके हाथ कौन सा खजाना लग गया कि मैं आपसे जेलस होंगी? जो खुशी अल्लाह ने मुझे अता की है उसके सामने किसी खजाने की कोई अहमियत। फराज आराम से देखकर। बेवकूफ, कहीं के कम से कम रोड पे तो आवाजों के साथ रहा करें। माय गॉड फराज, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर हरकत की गई है और इसके पीछे भी शहरयार का हाथ है। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हरकत किसकी है। देखो शहरयार, अब ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं रहे, फारिग करो इनको यार। क्यों, पासपोर्ट्स नहीं मिले क्या? पासपोर्ट्स जी तो चाहता है इस फैजान को शूट कर दूं। इतनी देर तो हमने किसी काम में भी नहीं लगाई यार, वी हैव टू मूव आउट यार। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स, अब तुम फैजान का गुस्सा मुझ पर ना उतारो। इतना रैश हरकतें कर रहे हो, क्या जरूरत थी फराज को मारने की तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कि मैं फराज को क्यों मारना चाहता हूँ। देखो शहरयार, जितना हमने यहाँ से कमाना था ना कमा लिया, एक उम्र के लिए काफी है यार। We have to move यार, इन लोगों को इसी हाल पे छोड़ दो यार। नहीं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं। फिर ले आए मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, पास नहीं आते मुझे गिफ्ट देने से। इतनी दफा मना भी किया पर मानते ही नहीं। ओहो, मुझे सरप्राइज देना चाह रहे होंगे। मैं सरप्राइज खराब नहीं करती, इसको वैसे ही रख देती हूँ और सोती बन जाती हूँ।
दुआ देखो आज तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं अपने दिल की बात कहकर आऊंगा। मुझे लगता है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है, शायद इसीलिए आप भूल रहे हैं कि ये आपका बेडरूम नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहा हूं दुआ, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या? मैं अभी जाके अंजी को तुम्हारी असलियत बताती हूँ, लेकिन वो तो तुम्हारी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी है कि किसी की भी बात का एतबार नहीं करेंगी। मोहब्बत दीवानी होती है, इसलिए मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो चुका हूँ। तुम्हारी बहन को तो सिर्फ मैंने तुम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया था पागल लड़की, तुम समझती क्यों नहीं हो? यू चीटा। देखो दुआ, तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। देखो मैंने कितनी चाह से तुम्हारे लिए ये जुरले मंगवाई है इंग्लैंड से। देखो देखो तुम्हारी ये जुर्रत। तुम्हारी असलियत खुल गई है मेरे सामने, तबाह हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारी मोहब्बत के धोखे में आके मैंने इन सब को टुकराया, इन सब के साथ मैंने इतना बुरा सलूक किया तुम्हारी वजह से। झूठे धोखेबाज, तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। निकल जाओ यहाँ से, तबाह हो जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। तबाह हो जाओ। प्लानिंग है मेरे खिलाफ।